आज तारीख है 30 जनवरी 2022 और आज के ही दिन BSNL बना देश का नंबर वन 4G कंपनी। BSNL ने जो है नई अचीवमेंट्स पा ली हैं आज के दिन। आपको बताते हुए काफी खुशी हो रहा है कि BSNL ने कई सारे एरियाज में BSNL अभी पैचेस में जो है अपने 4G रोल आउट कर रहा है। कुछ लोग को 4G मिल रहा है, कुछ लोग को 4G नहीं मिल रहा है। BSNL कहीं कहीं जो है 4G रोल आउट कर रहा है, कहीं कहीं पे 4G वोल्टी की सर्विसेज ऑन कर रहा है। अभी BSNL ने क्लियर नहीं किया है कि वो कहां कहां जो है 4G सर्विसेज दे रहा है, लेकिन जिन लोग को मिल रहे हैं वो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं। जिन लोग को अच्छी स्पीड मिल रही है वो भी नीचे कमेंट कर रहे हैं, और जिनको सुधार मिला है 3G में वो भी कमेंट कर रहे हैं। तो बात आती है कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो क्या करें। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आपको BSNL नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप टावर के लिए अप्लाई करिए BSNL के। अगर आप लक्की हुए या आपकी लोकेशन अच्छी हुई या टावर की वहां पे जरूरत होगी तो जरूर आपको मिलेगा। तो अगर आपको BSNL का टावर लगवाना है, क्योंकि आपने एक वीडियो मेरी देखी होगी कि BSNL ने 800,000 टावर लगाने का वादा किया है, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी। क्या पता आप लक्की हो, आपका एरिया अच्छा हो उस नेटवर्क के लिए और आप यहाँ लग जाए तो आपको 20 से 25 या 30 से 35,000 रुपए महीने घर बैठे मिलने लगे टावर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थे BSNL कैसे बना नंबर वन। तो मैं आपको बता दूं कि BSNL जिस प्राइस सेगमेंट में अपने डेटा प्लान अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कोई भी देश प्रोवाइड नहीं करता है, ना कोई कंट्री करती है, ना कोई ऑपरेटर करता है। सबसे सस्ता डेटा, सबसे सस्ता कॉल और सबसे सस्ता SMS अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो BSNL में मिलेगा। BSNL देश की नंबर वन कंपनी हुई है, इस सबसे कम दामों में आपको डेटा प्लान्स प्रोवाइड कर रही है। BSNL का 1498 वाला प्लान जो है 365 डेज जिसकी वैलिडिटी है वो काफी ट्रेंड कर रहा है, उसमें 2GB पर डे डेटा मिल रहा है। बाकी मैंने उससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बना रखी है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं। और मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो यार नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यही सारी खबर निकल के आ रही थी कि BSNL टावर लगवाने वाला है, BSNL देश का नंबर वन कंपनी बन गया है और BSNL अगर अपनाते हो तो भाई देश बच जाएगा। मतलब कई सारे ट्विटर पे कैंपेन चल रहे हैं कि BSNL को फिर से रीइन्वेंट करो, जल्दी से जल्दी करो। तो वहीं पे सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि 2 से 3 महीने में आधे इंडिया में जो है मेन सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में जो है 4G जो है रोल आउट कर देगा और बाकी आने वाले सितंबर तक आपको गांव-गांव में 4G BSNL का देखने को मिलेगा। वैसे टाटा की पूरी तैयारी है कि वो 2022 में अप्रैल तक पूरे देश में जो है इक्विपमेंट्स लगा दें, लेकिन अगर कोविड या लॉकडाउन फिर से लगता है तो ये थोड़ा डिले हो सकता है। अगर लॉकडाउन या कोविड कुछ नहीं लगा तो आपके यहाँ अप्रैल तक आ जाएगा। जिन स्टेट में बिल्कुल लॉकडाउन नहीं है, बिल्कुल फ्री है, उन स्टेट में काम चल रहा है, और जहाँ लॉकडाउन का सीन है, कोविड का सीन है, वहाँ पे जो है काम रुका पड़ा है। तो जहाँ काम रुका पड़ा है उनको वेट करना है सितंबर तक, और जहाँ काम चल रहा है बस उनको अब वेट करना है अप्रैल तक। तो क्या आपने BSNL का 4G सिम ले लिया है? अगर ले लिया है तो नीचे कमेंट करो, और स्पीड कितनी मिल रही है वो भी कमेंट करो। कोई दिक्कत आ रही है तो यार वो भी कमेंट करो। तो अगर आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।